एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड खुशहाल होंगे। तो अभी यहाँ पे आयत रेडी हो रही थी, हम लोग जा रहे थे मेरे हस्बैंड के ऑफिस, उन्होंने बुलाया था आयत का केक कट करने के लिए। तो केक कट हो गया था और आपने देखा आयत के साथ में अलीज़ा भी थी, जो आयत की कज़िन है। तो उसका बर्थडे 24 जुलाई को आता है, दोनों सिर्फ 2 दिन के छोटे बड़े हैं। तो दोनों ने साथ में केक कट किया और अभी आयत अपने गिफ्ट्स ओपन कर रही है। बोलो थैंक यू, खोलो दिखाओ आयत। कौन है ये पक्का? वाओ, ये लो दूसरा गिफ्ट। थैंक यू बोलो। लो जल्दी गिफ्ट नहीं चाहिए, इसमें बहुत एक्साइटमेंट वाली चीजें हैं। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। अब ये खोलो, हमारा फेवरेट चीज है, सबको पता है। लोग ऑलमोस्ट शाम में गए थे केक कट करने के टाइम पे, तो फटाफट से केक कट किया और सेलिब्रेशन हो गया था। उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोग चले गए थे, थोड़े बहुत फ्रेंड्स बचे थे, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी। और उसके बाद हम जाएंगे अलीज़ा का गिफ्ट लेने के लिए। अभी आप लिए ना कल परसों दो नया कपड़ा, दो कपड़ा लिए ना। ये ऐसा चाहिए आपको आयत? उसको कटा पिटा वाला चाहिए, दिखा रही है ना। ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा उसको, वो बड़ी वाली लड़की में दिखा। तो अभी हम अलीज़ा का गिफ्ट ले रहे थे एज अ बर्थडे गिफ्ट, उसके लिए हमने कपड़े लिए थे। और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, फटाफट घर पे जाएंगे। अम्मी अब्बू सब घर पे ही हैं और हमको खाना एज सच कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि कल जो कुछ भी बनवाया था खाना उसमें बहुत कुछ बच गया था। तो हम वही सब खा के पहले फिनिश करेंगे और वी आर वे टू होम नाउ। टैडी? कौन सा टैडी?
टेडी वाली डॉल जो कल यास्मिन को भी दिए हैं वो। और अच्छा वो भी अच्छी लगी। और आपसे कम आपसे कम गुड़िया एली एली ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कुछ नहीं करेगी, ले जाओ। अजान आजू क्या कर रहे हो? वो बिल्ली आपको काट लेगी, छोड़ दो उसको, चलो चलो आजू, चलो नाव नाव करेंगे, नाव नाव करेंगे और मॉल जाएंगे, चलो मॉल चलोगे? चुचू भी कर लेंगे, चलो फिर चलो। बोला आपके पैर पे मच्छर है, चलो इधर अंधेरी अंधेरी न्यू लिंक रोड अपोजिट सिटी मॉल जाना कहाँ पर है उसका नागन तो बता। आप भी दे दो मम्मा को, आप एक किच्ची दे दो, एक किच्ची दे दो, एक 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 दे दो, वन वन दे दो। तो आज है संडे और जो कुछ भी क्लिप्स मैंने ली थी सुबह से वो मैंने शेयर कर दी आपके साथ। और अभी है हम ऑन द वे, एक्चुअली मुझे एक कॉल आ रहा था कास्ट्यू करके, एक एजेंसी है वहाँ से अजान के लिए, तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और पहुँच गए हम लोग वहाँ पे। पहन लो ये मम्मा का बैग, छोड़ दो ये, छोड़ो बैग पहनो। यस 911 अमरीन पहन लो। उसके हाथ पे दो ना, ऐसा पकड़े इतना ऐसा पकड़ो, पकड़ लो ये था, वेरी गुड स्माइल ऐसा स्माइल, लाइट के पास देखो कैसे फोटो निकाले थे, कैसे अरे अच्छे के अच्छे अच्छे के अच्छे अच्छे के अच्छे मेरा पापा तू मेरी सोनी तू मेरा मम्मा तू मेरी जाने मन तू मैं
कंट्री क्लब का थैंक यू भाई। मम्मा को पागल बोलोगे? मम्मा तू पागल बोली ना तू? मैं पागल हूँ। आप पागल हो? अरे वहाँ पे जाएंगे नहीं मेरा गुंडा तू वहाँ पे जाएंगे। हाँ मेरी जान मैं तुझसे मिलते जाऊँ। चलो वहाँ पे जाएंगे। हाँ मम्मा वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ से हम लोग हाफ एन आवर के अंदर निकल गए थे। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, सिर्फ एक फ़ोटो क्लिक किया एंड देन वो अपना मार्केटिंग का जो कुछ भी था वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला पोर्टफोलियो कराने के लिए विच वॉज द कॉस्ट वॉज अराउंड 15,000 रुपीज़। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये मतलब मीनिंगलेस है, ये सब करके कुछ मतलब नहीं है, ये लोग सिर्फ अपना सेल्स करते हैं और ये सब लक का काम है। अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में कोई भी आइडिया रहेगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा पोर्टफोलियो कराना मतलब बेनिफिशियल है या नहीं। और उसके बाद हम अभी आ गए थे कंट्री क्लब में। इसके लिए मेरे हस्बैंड को कॉल आ रहा था कि आप एक बार प्लीज़ विज़िट कर लीजिए, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ये क्या ये क्या, गेम खराब हो गया? अरे यहाँ पे गया, वहाँ पे गया। मारो, मारो, मारो। आपको भूख लगी है आजू? और यही था हमारा संडे का दिन। तो रात में हम घर पे आ गए थे और आजकल मेरा बाइक सीखने का रूटीन चल रहा है। अभी मैं आपको आयत के गिफ्ट सिखा देती हूँ। तो ये एक डॉम्स का किट मिला था उसको, ये एक्चुअली बहुत अच्छा रहता है। मैंने लास्ट ईयर अरहान को भी दिया था एज बर्थडे गिफ्ट। और ये एक ईयरिंग मिली थी जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस फ्रेंड्स ने मिल के दी थी। एंड देन ये दो डॉल है, ये भी उनके ऑफिस फ्रेंड ने दी थी ये वाली डॉल। और ये जो उसके बाजू वाली डॉल है वो मैंने दी थी उसको, आयत को। और आधे से ज़्यादा गिफ्ट्स तो उसने खोल दिए। और जो मैंने डॉल हाउस उसको दिया था वो तो उसने खेल के उसके आधे पीसेस इधर उधर भी कर दिए। और बचे कुचे जो गिफ्ट्स मैंने अभी पैक रखे थे वो अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये एक बैग है एंड ये एक शूज़ भी है, बैग की डिमांड की थी उसने। और ये एक शूज़ है साथ में। ये वाली डॉल तो आप देख चुके हो, उसने बर्थडे की नाइट में ही खोलती थी ये वाली डॉल। और कुछ चॉकलेट्स मिले थे, चॉकलेट्स तो बहुत सारे मिले थे। और कुछ कपड़े मिले थे, ये एक शरारा था और ये एक प्लाजो पैंट और ऊपर शर्ट था। और ये एक बहुत प्यारा सा फ़ोटो फ्रेम था, ये मैंने उसी दिन ला के मेरी वॉल पर लगा दिया था। तो यही थे उसके गिफ्ट्स और यही था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा ख्याल रखिए। मेरी डॉटर को ढेर सारी विशेज दीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज़।